करण सिंह जी मेटिया साहब जो अपने उपाध्यक्ष है कोऑपरेटिव बैंक के, उनका स्वागत के लिए मैं सोसाइटी अध्यक्ष चैन सिंह जी देवड़ा साहब सापा बनाकर और शंभू सिंह जी देवड़ा माला पहनाकर सो भगवत सिंह जी अपने जाकोड़ा और सुमेरपुर जीएसएस के मैनेजर है और खिवांदी का ही है देवड़ा साहब। जरवर सिंह जी, जरवर सिंह माला अपने बीच में विजेंद्र सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी द्वारा माला पहना कर माला के लिए महेंद्र सिंह जी, माला के लिए महेंद्र सिंह, चैन सिंह जी अपने सोसाइटी के अध्यक्ष साहब का, अपने सोसाइटी के अध्यक्ष साहब का स्वागत। उपाध्यक्ष साहब शंभू सिंह जी पधारो आगे साहब, आप स्वागत राम जी। यहाँ के सहायक व्यवस्थापक लक्ष्मण भाई, लक्ष्मण भाई आगे पधारो, आपका भी स्वागत। काश्तकारों के द्वारा किया जा रहा है, आप पधारो लक्ष्मण जी। लक्ष्मण भाई का स्वागत भी साफ से करवा देता हूँ। करण सिंह जी उप प्रधान साहब नेत्रा से करवा दे। लक्ष्मण पधारो। राकेश भाई, राकेश भाई पधारो। इसके बाद में बाबूलाल जी जयपा जी, इनके 82,845 रुपए माफ हुए। 82 बाबूलाल जयपा जी 82,845 रुपए। बाबूलाल जी आ रहे हैं, बाबूलाल जी पधारो। 82,845 रुपए इनके माफ हुए हैं। मनोहर सिंह जी, जीवन सिंह जी, जैसा राम इधर, अजयरीमल जी प्यारे जस, कांति लाल जी के 4,000, इनके 4,000 से ऊपर है। उमेद मल जी, अजयरीमल जी, इनके महेंद्र कुमार मोहनलाल जी, महेंद्र कुमार मोहनलाल जी, सकाराम मकना जी पधारो, सकाराम जी के 35,800, ओडी वाला का प्याज इसमें सब। फूल सिंह जी, राम सिंह जी के 13,000 है। शंभू सिंह जी पधारो सा, इन्हें बाद में शंभू सिंह जी, जीवन सिंह, चैन सिंह जी, सवाई सिंह जी, इनके बाद में चैन सिंह, सोम सिंह विजय सिंह जी 11,000, किम सिंह जी 74,233 रुपया, सिंह जी, रावत सिंह जी, केसर सिंह जी के हुए 1,00,000, उगम सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, उगम सिंह जी 14,000, 1,46,000, वागाराम जी, बुद्धा जी, रामाराम रुपया है सबसे ज्यादा 1,00,000, गुण परकाराम कन्ना जी 21,013 रुपए इनके माप है। इतना ही बहन भाइयों और मात्र शक्ति करण सिंह जी नेत्रा ने आपने बता दियो कि अब सरकार जागृत हुई है, किसान जागृत हुआ तो सरकार ने हमें ठा बड़ा डुको है कि भाई किसानों ने कई समस्या का समाधान करना चाहिए। तो राजस्थान सरकार आपने 2,00,000 टकरा कर्जा माफ करिया है, संपूर्ण किसानों का कर्जा है, ओडीओ ब्याज सहित पूरा माफ है। करण साहब ने फरमाया कि 50,000 हुआ, 50,000 हाथे लोगों ने 80,000 रुपये माफ हुआ था, ओडीओ पूरा खाता साफ हुआ था। तो अब काश्तकारों ने सरकार हुआ टुकी है, क्यों काश्तकार अब जागरूक हो गया हो तो सरकार होने ला, अब काश्तकार संगठित नहीं हो तो संगठित रहे, अपने जो भी किसानों की समस्या है वह संगठित रहे ना, आगे करोला तो सरकार अपनी होने ला, क्यों किसान बहुत दुखी रहे, हर साल बरसात वह नहीं, जमी बंदो ही खाली रहे और बरसात रहे माता अपन निर्भर करो, खेती बरसात माता निर्भर रहे तो सरकार ने सहायता मिले तो काश्तकार वास्ते बहुत बड़ी है सहायता राशि वह नहीं, जो किसान ने फायदो मिले इन तो और भी समस्या था किसानों की बहुत है। करण साहब, मेन प्रधान साहब, सब जना आप किसानों वास्ते छोटी मोटी समस्या वास्ते समाधान वास्ते मैं लोग कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग उनमें सहयोग की आवश्यकता है तो आप ही उनमें सहयोग राख दो ताकि क्यों ताकि जवाई उन्हें भरण दो। तो करण सिंह साहब नेत्रा उनमें मेंबर था, आप
खूब कोशिश ही करी उनमें और प्रधान साहब अब लागू हो गया और आप अभी मन ही कह सरकार चेंज हुई है तो आप लोग ये पुनर्भरण वालों है नहीं यानी योजना में लारे लारे लागू रहो ताकि अब जवाई रो पुनर्भरण दे जाए तो किसानों समस्या खूब ही समाधान मिल सके। और एक वास्तविकता है कि जो खेती करता है उसको मालूम है कि जब खेती करते हैं अपने उसमें कितनी मेहनत लगती है। जब लोग सर्दी में हीटर लगा के घर पे सोते हैं ये जो पॉलिसी बनाते हैं वो लोग और तब काश्तकार इस कड़कड़ाती हुई ठंड में खेती करता है। जब मैं भी जब पढ़ाई छोड़ के आया तब मैं भी नहर में जाता था तब आठ आठ दिन वहीं नहर में रहते थे सब यानी बर्फ जैसी ठंड पड़ती थी उसमें कि भाई अपना सात दिन ही है खेती पीना चाहिए नहीं पिएगा तो फिर अपन अपना घर कैसे चलेगा और अपन सब खेती के ऊपर निर्भर करते हैं। तो मेरी तो आपसे यही गुजारिश है कि जैसे करण सिंह जी नेत्रा साहब ने और करण सिंह जी चानो साहब ने बोले कि अपन अगर संवाद अच्छी बात है किसान जागरूक हुआ भारत देश का और भारत देश का किसान जागरूक हुआ तो लोगों में एक ऐसी भावना जागृत हो गई और राजनीतिक दल भी अपने आप को थोड़ा सक्रिय किया उन्होंने भी उन्होंने लगा कि कहीं कहीं ये वर्ग हमारे से नाराज है तो सरकारों ने चिंता करनी शुरू की। लगातार सरकार चिंता कर रही है। पिछली सरकार ने देखो खूब सारे केंद्र सरकार ने खूब सारी योजना लाई चाहे ऋण माफी का मामला है चाहे उन्होंने नीम कोटेड यूरिया का मामला है या किसानों के जो समर्थन मूल्यों को दुगना करना डेढ़ा करना और मृदा जमीन का परीक्षण करना इस प्रकार के बड़े बड़े कार्यक्रम लेके आए। किसान को लाल पिछली सरकार ने किसान को बिजली भी माफ कर दी मतलब किसान जागरूक हुआ तो सरकारों ने भी सोचना शुरू किया और अब वर्तमान सरकार ने तय किया कि भाई किसानों के जो 2 लाख के कर्ज सब माफ कर दो। अब 2 लाख तो नहीं कोऑपरेटिव में 1.5 लाख का तो कर्जा देते ही हैं 50,000 पहले माफ हो गए बच्चा आपने करा दिया तो इस प्रकार से सरकार सोचने लगी है एक बहुत अच्छी बात है। सर खिवांदी ग्राम सेवा सहकारी समिति में हमारे 5 गांव लगते हैं जिसमें खिवांदी रोजगार नेत्रा प्राकिया मोरडू हमारे समिति में ऋण माफी 2019 के तहत 559 लोगों की हुई है जिसकी राशि 2,10,00,000 रुपए है जिसके आज हमारे कैंप शिविर रखा गया है जिसमें इनके प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं। अच्छा इस समिति में जो पदाधिकारी पहुँचे हैं ऋण माफी शिविर में वो कौन कौन है? राजेंद्र सिंह जी प्रधान साहब मुख्य अतिथि है हमारे उपाध्यक्ष करण सिंह जी बेड़तिया समिति के चेयरमैन चैन सिंह जी देवड़ा और ये सब इनके